पुराने जमाने की ये कहानी है। एक प्रदेश में एक व्यापारी ने प्रेम विवाह लव मैरिज किया। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी या आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यापारी और उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, उनका सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और लोग उनके प्यार की मिसाल देने लगे थे। वे दोनों भी अपने प्यार से भरी नए संसार में काफी खुश थे। लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि उन दोनों में कभी किसी वस्तु या विषय को लेकर कभी झगड़े नहीं होते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपनी प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उन्हें बुझा देते। प्रेमी जोड़े ने तय किया था कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस व्यापारी का घर रोशनी से जगमगाता। इस प्रदेश का राजा एक बड़े से महल में रहता था। हर रात को सोने से पहले वो अपनी रानी के साथ महल के छत पर जाकर आसमान के नजारे देखता था। एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नजर व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ही उसके बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। रानी राजा से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ही ज्यादा समझदार होगी और वह पति के और उसके घर वालों के गलतियों को नजरअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। राजा रानी की चर्चा बहस में और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में राजा ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना रानी को बताई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो, अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो, रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी हजार रानियां भी आ जाएगी तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तुम मेरी तरफ से रानी से माफी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजे। उस स्त्री ने व्यापारी ने जो कहा था वह बात राजा और रानी को जाकर बता दी। व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी के परीक्षा की बारी थी। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, राजा को तुम पसंद आ गई हो। राजा ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें उनकी रानी बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा के आदमी ने इस घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने जाकर किया। राजा को व्यापारी की पत्नी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती, आखिर वह उसकी पत्नी है और प्रेमिका भी। राजा ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। राजा ने उनको समझाया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मशाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल की छत पर आकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी, देखा, मैं कहती थी ना कि वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने यह शब्द कहे ही थे कि राजा ने देखा कि व्यापारी के घर की मशाल बुझ चुकी है। राजा को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वह सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहां खड़े थे राजा के पास आए और उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए व्यापारी कैसे मर सकता है। सिपाहियों ने कहा कि उसकी पत्नी ने दिन में ही जहर दे दिया था और रात को पति के मरने के बाद उसने घर की मशाल बुझाए, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। राजा को इस घटना से न सिर्फ व्यापारी की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। व्यापारी की पत्नी के बेवफाई के विचार उसे पूरी रात आते रहे। राजा उस रात एक भी मिनट सो नहीं पाया। राजा को इस बात का काफी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवेरे राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, जब तक मैं लौटूंगा इस प्रदेश की सभी महिलाओं को गला काट कर मार देना।
राजा का ऐसा आदेश सुनकर मंत्री ने राजा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और राजा ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मौत की सजा दे दूंगा। राजा के शिकार पर जाने के बाद मंत्री काफी चिंता में डूब गया। जब मंत्री को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो मंत्री सीधे अपने पिता के घर गया, जो पहले राजा के पिता के यहाँ मंत्री रह चुका था और काफी समझदार था। मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे कहा कि सबसे पहले तुम कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि राजा जब लौटेगा और देखेगा कि तुमने उसका हुक्म नहीं माना है तो वह तुम्हें सजा देगा। मैं देखता हूँ, किसी तरह राजा को समझाता हूँ। रात को जब राजा लौटा और उसने देखा कि उसके प्रदेश में सभी महिलाएं पहले की तरह ही अपना काम कर रही है, घूम रही है, तो उसे मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। हर जगह तलाश करने के बाद जब मंत्री नहीं मिला तो राजा सीधे मंत्री के पिता के घर जा पहुंचा। राजा ने मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछा। मंत्री के पिता ने राजा को शांत करने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए कहा और बाद में राजा से पूछा कि आप क्यों सभी महिलाओं को मारना चाहते हैं। राजा ने व्यापारी वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता को बताई। मंत्री के पिता ने राजा से कहा कि आपने जो फैसला किया है मैं उसे सही या गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं जो एक छोटी सी कहानी जो मैं जब मंत्री था तब मेरे साथ घटित हुई है वह मैं आपको सुनाता हूं। उसे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मन लेंगे। मंत्री के पिता ने कहा, एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था, अचानक एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आया और मुझे बंदी बनाकर घसीटते हुए कब्रिस्तान लेकर गया। वह मुझे एक कब्र के पास लेकर आया। वहां पर पहले से एक कब्र खुद ही हुई थी और एक सर कटा आदमी उस कब्र में था। उस नकाबपोश ने मुझे उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे बाजू में एक और कब्र खोदने के लिए कहा। मुझे लगा यह दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी तरह तैयार होने के बाद उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसने मुझे कहा कि तुम डरो मत, यह कब्र तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह कब्र मेरे खुद के लिए है। अभी अभी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक राजकुमार है जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी और मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहती और उनके कब्र के बाजू में मरकर दफन होना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में फिर से उनसे मिल सकूं। इतना कहकर उस महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली और उस कब्र में गिर पड़ी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वह मुझे सिर्फ अपने आप को कब्र में दफन करने के लिए वहां तक लेकर गई थी, तो मैंने उसे दफन किया और अपने घर वापस लौट आया। महाराज, आपने जिस घटना को देखा है उसमें एक महिला ने धोखेबाजी की है, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई है, मैंने जिस घटना को अनुभव किया है उसमें एक महिला ने अपने पति के प्यार में अपनी जान दे दी। अब आप ही बताएं महाराज, अगर एक महिला बेवफा निकली तो क्या सभी महिलाएं बेवफा होगी? एक महिला के किए की सजा सभी महिलाओं को देना क्या उचित होगा? राजा को बूढ़े मंत्री की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उसने सभी महिलाओं को मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें समझाती है कि दुनिया में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के उनके विचार हैं और उतने ही अलग तरह के सबके व्यवहार हैं। हम एक आदमी का व्यवहार देखकर बाकी सब के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। आज के दौर में यह बात बहुत अच्छी तरह से सबको समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो वह सभी औरतों को या फिर सभी पुरुषों को नफरत की दृष्टि से देखने लगते हैं, सभी को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है जरूर बताइएगा।